अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मैर और मैं आज आपको बताऊंगा कि बेसिकली जो मुंह के अंदर छाले निकलते हैं इनको हम कैसे इलाज कर सकते हैं, कैसे हम घरेलू इलाज कर सकते हैं जिनकी वजह से छाले जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं आपको स्टेप्स के साथ बताता हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो आपका, बहुत से लोग मुंह हमेशा बंद रखते हैं। ठीक है, जब आपका मुंह बंद होता है, आप ज़्यादा बोलते नहीं हैं, उन लोगों को छाले निकलने की तादाद ज़्यादा होती है, या फिर बोलो जिनको एसिडिटी होती है। ठीक है ना, तो इसमें ये होता है कि बेसिकली जो आपका स्टमक होता है, समटाइम्स वहाँ से गैसेस निकल रही होती हैं जो मुंह के जरिए खराज कर रही होती हैं। जब वो आप ज़्यादा बोलते नहीं हैं या मुंह आपका ज़्यादा बंद रहता है, तो होता क्या है कि जो आपका स्टमक है या मैदा है वहाँ से खराज निकलता है और वो मुंह के अंदर जाकर एसिडिटी क्रिएट करता है और वहाँ पर छाले बन जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा ये सबसे बड़ा वजह हो जाता है एनजाइटी की वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने टेंशन वगैरह, जैसे बहुत से बच्चों को एग्जाम्स के दौरान हो जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, या बहुत से बच्चे जो है वो ज़्यादा एसिडिक जब चीज़ें खाते हैं या फिर मिर्चों चीज़ें खाते हैं, मुंह में कभी छाले होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता आपको, जो है ना कोई भी एक एंटासिड, ठीक है ना, हम दिए देते हैं आमतौर पर। एंटासिड क्या होते हैं, ऐसे सिरप होते हैं जो कि मैदे की तेजाबियत कम करते हैं, तो उसकी वजह से मुंह के छालों में बहुत फ़र्क आता है। ठीक है ना, या फिर बहुत सी गोलियां हम यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स हैं, आमतौर पर कैप्सूल्स होते हैं आपको घरों पर, अमूमन नाबालिगैन को दिए, आप पता होगा जिनके घरों पर, जिनको दवाइयाँ खाती खवातीन वगैरह या मर्द जो होते हैं, तो उनको अमूमन डॉक्टर्स जो है ना साथ में PPIs देते हैं, मैदे के कैप्सूल्स वगैरह। ठीक है ना, उससे भी ज़्यादा जो है वो कुछ हद तक मदद मिलती है। फिर तीसरा आपको ज़रूरी होता है कि आप जो माउथ वॉश होता है ना, ठीक है ना, वो यूज़ करें। ठीक है, अगर आपके मुंह में छाले हैं तो अगर आप ब्रश करते हैं ना, तो आमतौर पर ब्रश का कोई ना कोई फाइबर या थ्रेड जाके लग ही जाता है छाले को, वो बहुत पेनफुल होता है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि ब्रश करना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं कर पा रहे ब्रश, तो आप एटलीस्ट माउथ वॉश का यूज़ करें। ठीक है, पहले एसिडिटी कम कीजिए, दूसरा आप माउथ वॉश वगैरह इस्तेमाल करें, लेकिन एटलीस्ट माउथ की हाइजीन बेहतर रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा छाले हो गए हैं और इतने ज़्यादा दर्द करते हैं कि मैं सुकून नहीं पाता। ठीक है ना, इसमें ये होता है कि हम उमन क्रीम्स देते हैं ताकि आप छाले के ऊपर लगाएं तो वो जगह सुन हो जाए। ठीक है ना, उस वजह से आपको पेन कम होगा, खाना खाते हुए आपके अगर कुछ भी लगेगा तो वहाँ पर एटलीस्ट आप खाना खा पाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब मुंह में उनके छाले निकलते हैं तो वो खाना छोड़ देते हैं, जब खाना छोड़ देते हैं तो तेजाबियत मज़ीद बढ़ जाती है, छाले मज़ीद निकलते हैं। ठीक है ना, तो आपने खाना नहीं छोड़ना, आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ये सारी चीज़ें कीजिए। इसके अलावा बाज़ लोगों को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी होते हैं, कोई ना कोई चीज़ की कमी हो रही होती है जिसमें जिसकी वजह से छाले निकल रहे होते हैं, तो आमतौर पर हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी ऐड करते हैं एज अ डॉक्टर। ठीक है, तो अगर आपको भी कोई ऐसा मसाइल है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, और समटाइम्स अगर इन सब चीज़ों से ठीक नहीं होते तो हम बात कर, बहुत से एंटीबायोटिक्स ऐसे स्पेशल होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम यूज़ करके तो छालों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अलगर्स कोई बड़ी बीमारी की वजह ना हो। ठीक है, बाल का जो नॉर्मल छाले होते हैं वो भी कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा लंबे से चल जाते हैं, तो वो भी ख़तरनाक चीज़ होती है, तो उसके लिए भी हम जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो अगर आपको भी कोई मसला मसाइल आ रहा है, जो आपको पूछना है, कुछ समझना है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर लीजिएगा, या फिर मैं कोई मेथड ज़रूर कम्युनिकेशन में मुझसे डाल दूंगा नीचे, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।